दोस्तों, कलाहांडी इतिहास और संस्कृति में समृद्ध ओडिशा का एक जिला है। उतई और तेल नदियों के संगम पर स्थित कलाहांडी में 12वीं सदी की उत्कृष्ट वास्तुकला के कुछ बहुत प्राचीन मंदिर है। प्रपाती झरनों के साथ अनेक सुंदर पहाड़ियाँ इस जगह की सुंदरता को बढ़ाती है। पाषाण युग और लौह युग के कई पुरातात्विक सबूत यहाँ पाए गए थे। कलाहांडी उत्सव हर साल मनाया जाता है और उत्तम कला संस्कृति, संगीत और हस्तकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल करने वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाहांडी जिला की 10 प्रमुख पर्यटन स्थान के बारे में बताऊंगा। बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देखने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कलाहांडी भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ की गुड़ाहांडी हिल से कर सकते हैं। गुड़ाहांडी कलाहांडी में तीन पहाड़ियों के मिलने से बनने वाला एक अविश्वसनीय और सुरम्य स्थान है। केवल प्राकृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि गुड़ाहांडी में ऐसे कई सबूत पाए गए हैं जो पूर्व ऐतिहासिक समय के माने जाते हैं। इन पहाड़ियों में स्थित गुफाओं में अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बनाए गए थे। केवल बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित गुफा के अलावा सभी गुफाएं लगभग समान आकार की है। इन गुफा के प्रवेश द्वार पर बने लाल और काले चित्रों को देखकर कोई भी आसानी से मंत्रमुग्ध हो सकता है। इन पहाड़ियों में से मेहरा नदी बहती है, जिसमें मान्यता के अनुसार भीम द्वारा बनवाए गए प्राचीन बांध के अवशेष पाए गए हैं। सर्दियों के दौरान गुड़ाहांडी स्थानीय और विदेशी यात्रियों के लिए पसंदीदा पिकनिक स्थल है। नंबर दो पर है इंद्रावती डैम। इंद्रावती डैम भारत में ओडिशा राज्य में भवानीपाटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूर गोदावरी की एक सहायक नदी इंद्रावती नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह मुख्य इंद्रावती जलाशय से 4.32 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर व्यास की हेड रेस सुरंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे 210 क्यूबिक की निर्वहन क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है और एक सर्च शाफ्ट में समाप्त होता है। वर्तमान में ये पूर्व भारत में 600 मेगावाट की क्षमता वाला सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बांध है। आप चाहें तो पास में स्थित मुखीगुड़ा पावर हाउस का भी भ्रमण कर सकते हैं। नंबर तीन पर आता है हेलो पॉइंट। हेलो पॉइंट भवानीपाटना से 75 किलोमीटर की दूरी पर एक पिकनिक स्पॉट और भाली व्यू पॉइंट है। ये पूर्वी घाट के शीर्ष पर मौजूद है, जहां से जूनागढ़, बलामपुर ब्लॉक आदि सहित कलाहांडी जिले का आधा हिस्सा दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई के बावजूद यहां मोबाइल के लिए सभी दूरसंचार सेवाओं से सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे हेलो पॉइंट नाम दिया गया है। कुछ लोग इसे कलाहांडी की लोनावाला तो कुछ कलाहांडी की कश्मीर भी कहते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ पर्यटक ही इस स्थान पर जा सकते हैं। अगर आप ट्रेकिंग और हाइकिंग में रुचि रखते हैं तो इस स्थान को आपको जरूर आना चाहिए। नंबर चार पर आता है मोहनगिरी। मोहनगिरी कलाहांडी में स्थित एक विचित्र गांव है, जो यहाँ के शिव मंदिर आने वाले पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगहों में आता है। इस गाँव के पास कालीगंगा नामक धारा बहती है। इस जलधारा के किनारे पर जगमोहन हाल के 11 स्तंभों के साथ प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष स्थित है। हालांकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया है, लेकिन फिर भी 600 साल के पुरातन अवशेष मंदिर में आज भी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर चट्टानों को काटकर अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर के साथ जमीन से निकाले गए एक शिवलिंग को भी अब एक झोपड़ी में पूजा के लिए रखा गया है। ये मंदिर वर्तमान और पुरातन समय का एक अनूठा संयोजन है। नंबर पांच पर आप जा सकते हैं रावणधर वाटरफॉल। रावणधर में घने हरे जंगल के बीच एक व्यापक झरना स्थित है। शहर के शोर शराबे से दूर रावणधर केवल एक झरना की आवाज के साथ एक शांत और विचित्र स्थान है। इस जगह पहुंचने के लिए आपको धूल भरी सड़कों से होकर गुजरना होता है। अच्छा कम्युनिकेशन ना होने के बावजूद
लोग प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने के लिए रावणधर आते हैं। एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट भी है। रोमांच प्रेमी यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। रावणधर में चारों ओर फैली हुई शांति और तन्हाई कलाहंडी के लिए एक बड़ा पर्यटन आकर्षण है। नंबर 6 पर है ढोकरी चंचरा। ढोकरी चंचरा कलाहंडी और नवरंगपुर जिले की सीमा पर अक्सरा गांव में स्थित एक पिकनिक स्पॉट है। ये कलाहंडी के अन्य आकर्षण पर्यटन केंद्रों की तुलना में बिल्कुल अलग और अनोखी जगह है। ढोकरी चंचरा अपने दो प्रसिद्ध झरनों ढोकरी धारा और भैरव धारा के कारण प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसके पास की ऐतिहासिक गुड़ाहांडी गुम्फा स्थान को और अधिक प्रमुख बनाती है। ढोकरी चंचरा जलप्रपात की ढोकरी धारा 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो सुंदर पत्थर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस स्थान पर माँ ढोकरी देवी की भी काफी समय से पूजा होती आ रही है। यदि हम धारा के बगल में चलते हैं तो 2 किलोमीटर की दूरी के बाद हम प्रसिद्ध भैरव धारा झरने के पास पहुंच सकते हैं, जो 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप इसके पास खूबसूरत हिल स्टेशन योगी पहाड़ और रानी पहाड़ देख सकते हैं। नंबर 7 पर आता है फुल्ली झरन जलप्रपात। भवानीपटना से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जलप्रपात एक बारहमासी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है और इसका अपना एक विशेष आकर्षण है। पतझड़ के बिखरे पानी के कोणों पर पड़ने वाली सूरज की किरणों से बना बहुरंगी इंद्रधनुष देखने लायक मनोरंजन नजारा होता है। पतझड़ के आसपास के सदाबहार वन समूह पिकनिक मनाने वालों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। ये जलप्रपात अल्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। ये झरना दिल को लुभा लेते हैं, जो घने जंगलों से होकर गुजरती है। यहाँ के सभी प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेने वाले होते हैं। रिलैक्सेशन और पिकनिक के लिहाज से ये स्थान कलाहांडी जिले में सबसे आगे गिना जाता है। नंबर 8 पर है आम्बोपाणी हिल स्टेशन, जो कि भवानीपटना से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुरम्य आम्बोपाणी पहाड़ियाँ प्रकृति की मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। इस पहाड़ी श्रृंखला में हल्दीगुंडी नामक एक मनमोहन घाटी सूर्य पर परावर्तित किरणों के कारण कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। सुबह और शाम के समय देखने वाली वस्तुएं पीली दिखाई देती है। पूरे क्षेत्र में चित्तीदार हिरण, सांबर और ब्लैक पैंथर्स से जिन्हें बेहरा जलाशय में देखा जा सकता है। नंबर 9 पर है बेलखंडी। बेल और उतई नदी के संगम पर स्थित महानदी की दो सहायक नदियाँ बेलखंडी ने एक चित्र स्क्वायर साइट के साथ धार्मिक गतिविधियों और पुरातात्विक महत्व के केंद्र के रूप में प्रमुखता प्राप्त की है। अब वहाँ खड़े मंदिरों के अलावा हाल के दिनों में 12वीं शताब्दी के स्मारकों के खंडहर की खुदाई की गई है। मूर्तियों में से सप्तमातृका और उमा महेश्वर की छवियाँ उल्लेखनीय है। बेलखंड के खंडहर मंदिर परिसर से सटे एक छोटे से संग्रहालय में संरक्षित है। ये सैर सपाटे के लिए भी एक आदर्श स्थल है। कलाहांडी भ्रमण की समाप्त आप माँ माणिकेश्वरी के दर्शन से कर सकते हैं। माणिकेश्वरी मंदिर ओडिशा के कलाहांडी जिले में स्थित है। ये मंदिर भवानीपटना शहर की दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ की मुख्य देवी माँ माणिकेश्वरी है। वो नागवंशी क्षेत्रियों की इष्ट देवी है। दशहरा उत्सव के दौरान इस मंदिर में पशु बलि दी जाती है।